दादी के साथ खेल रही बच्ची को ले गया गुलदार। आदमखोर को पकड़ने के लिए जगह जगह लगाए गए पिंजरे। आदमखोर ने फैला दी दहशत। पहाड़ी इलाकों में आदमखोर गुलदार की धमक दिनों दिन बढ़ती जा रही है। गुलदार इतने बेखौफ हो गए हैं कि दिन दहाड़े कहीं भी धमक पड़ रही है, मासूमों को अपना निवाला बना रही है। रुद्रप्रयाग जिले के बछड़सू क्षेत्र में गुलदार का आतंक बना हुआ है। आदमखोर गुलदार की दहशत के चलते गांव के लोग घर से बाहर निकलने में भी सोच रहे हैं। एक दिन पहले ही शाम के वक्त एक 3 साल की बच्ची को गुलदार उठा कर ले गया। मासूम उस दौरान अपने घर के आंगन में अपनी दादी के साथ बैठी हुई थी। उस बीच आदमखोर आधमका और बच्ची को उठाकर गांव से करीब 300 मीटर दूर ले गया। इसके बाद गांव वालों ने शोर मचाया और गुलदार ने बच्ची को वहीं पर छोड़ दिया। गांव में हुई इस घटना से दहशत का माहौल है। ग्रामीण डरे सहमे से हैं। शाम होते ही गांव वाले अपने घरों में दुबकने लगे हैं। वहीं घटना के बाद जंगल में जगह जगह आदमखोर को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लग चुके हैं। शिकारियों की तैनाती हो गई है। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने भी घटना पर दुख जताया है और उनका कहना है कि इस मुद्दे को उन्होंने संसद में भी उठाया हुआ है। मैंने मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर भी उठाया, बाद में उठाया। और जो गुलदार, यह टाइगर ने गुलदार है इसको, और ये जगह जगह बच्चों को, माता बहनों या अन्य लोगों को जो अपना इस प्रकार का आहार बनाया है, तो वो एक हमारे लिए बहुत कष्टदायी है। दिन दहाड़े भी कई जगह मैं गया हूँ, ऐसे जब घटनाएं घटी हैं तो वहाँ पिंजड़े लगाए हैं, जो जो हो सकता था वो किया है, उसमें शिथिलता क्या हो सकती है। उस वक्त तो चिंता का तो विषय है, लेकिन उस वक्त हम क्या तत्काल उसमें राहत दे सकते हैं, वो काम हम सरकार कर रहे हैं। लगातार बढ़ रही आदमखोर की घटनाओं ने पहाड़ के लोगों में दहशत पैदा कर दी है। गांव के अलग अलग हिस्सों में पिंजरे देखे जा सकते हैं। 3 साल की मासूम के साथ हुई घटना के बाद पूरे इलाके में डर दहशत फैलने लगी है। शाम होते होते लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं अब शिकारी की तैनाती भी कर दी गई है। डरे सहमे लोगों के लिए ये वक्त मुश्किल भरा है। वहीं गढ़वाल सांसद ने कहा कि उन्होंने इस गंभीर मुद्दे को संसद में भी रखा है, साथ साथ ऐसे क्षेत्रों में राहत देने और गुलदार को पकड़ने जाने के निर्देश दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ रिपोर्ट, उत्तराखंड।